हे एवरीवन, दिस इज शाहबाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू ग्रैस्प एनसीईआरटी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन जियोग्राफी के बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है। और चैप्टर की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है, जो मैंने पॉइंट वाइज सब लिखी हुई है और जिसमें जियोग्राफी की डेफिनेशन वगैरह भी सब कुछ कवर होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है, कोर कंसर्न ऑफ जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमंस एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड देम। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, देखिए जियोग्राफी सबसे पहले आप जानते हैं एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है जो अर्थ की स्टडी करता है, ठीक है, इन रिलेशन टू ह्यूमंस जो अर्थ की स्टडी करे उसको हम बेसिकली जियोग्राफी कहते हैं। तो कोर कंसर्न ऑफ जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी, तो जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी क्या समझने की कोशिश करती है, टू अंडरस्टैंड अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस के रिलेशन में अर्थ का एग्जिस्टेंस और अर्थ के रिलेशन में ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस, और हर उन एलिमेंट्स को स्टडी करती है जियोग्राफी जिन्होंने ह्यूमन लाइफ और अर्थ को सस्टेन करके रखा हुआ है। अब वो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे रिवर्स, वाटर जिसको हम बोल वाटर का सोर्स, उसके बाद ओशंस, उसके बाद माउंटेन्स, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, वेजिटेशंस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो हमें इन सब चीजों के एलिमेंट्स की स्टडी को और अर्थ की ओवरऑल स्टडी हम जियोग्राफी के अंडर करते हैं। तो बेसिकली जब हम जियोग्राफी को फिजिकली ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंक्लाइन करके पढ़ते हैं तो उसको हम बेसिकली ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि जियोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल इन नेचर। इंटीग्रेटिव का मतलब मिलनसार, जियोग्राफी अपने आप में एक मिलनसार सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जियोग्राफी कभी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अर्थ से सेपरेट करके नहीं चलता। हाँ, समझने के लिए हम सेपरेट करके देख सकते हैं, लेकिन एज अ होल ये दोनों नेचर का ही पार्ट है, ठीक है। एम्पिरिकल जियोग्राफी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, एम्पिरिकल इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो फिजिकली कोई भी चीज का प्रैक्टिकल करना, जैसे हाँ प्रैक्टिकल करना या फिर ऑब्जर्वेशन करना किसी फिजिकल चीज की बहुत आसान होता है। तो जियोग्राफी बेसिकली एम्पिरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ओवर द टाइम जियोग्राफी गॉट सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म। देखिए ड्यूअलिज्म होता है किसी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में दो अलग अलग तरह की कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट थ्योरीज होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूअलिज्म, ठीक है। देखिए अगर इसकी मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, वो तो ये हो सकती है कि पुराने टाइम में माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन जैसे जैसे साइंस कुछ हद तक डेवलप होने लगी तो लोग कहने लगे कि नहीं, अर्थ मतलब गोल है शेप में, लगभग अंडे जैसी जैसी जो भी शेप होती है अर्थ की, है ना। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि दो कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरीज आपस में क्लैश कर रही थी, ठीक है। तो उस टाइम हम अर्थ की शेप को एक ड्यूअलिज्म का टॉपिक मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जाके ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि अर्थ गोल है, ठीक है, फ्लैट नहीं है। तो ड्यूअलिज्म क्लियर होगा, लेकिन ड्यूअलिज्म हम बेसिकली उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पे एक ही सब्जेक्ट के लिए दो अलग अलग थ्योरीज कॉन्ट्रास्टिंग हो, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चल रही हूं। अच्छा, ये ज्योग्राफी के केस में कैसे काम करता है, चलिए वो समझते हैं। देखिए ज्योग्राफी को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा जाता है अगर हम ड्यूअलिज्म की बात करें, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पहला तो हो गया लॉ मेकिंग, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट लॉ मेकिंग हो या थ्योराइजिंग हो, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव हो। अच्छा, लॉ मेकिंग और थ्योराइजिंग को हम नोमोथेटिक कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव को आइडियोग्राफिक। अच्छा, नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक क्या होता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली नोमोथेटिक जियोग्राफी का मतलब ये हुआ कि हम अर्थ को एज अ होल मान के चलें, बहुत ही बड़े पार्ट को अपने अकाउंट में लें और उसके लिए एक लॉ बनाएं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि अगर हमने एक लॉ बना दिया कि माउंटेन्स फॉर्मेशन पे, हमने एक लॉ बना दिया कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो अर्थ के हर एक माउंटेन पे वही रूल फॉलो होगा अंडर द केस ऑफ नोमोथेटिक। हर एक अर्थ के माउंटेन पे वही रूल फॉलो होगा कि माउंटेन की फॉर्मेशन का यही बेस है, ठीक है। लेकिन अगर ऑन दी अपोजिट हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की या जिसको आइडियोग्राफी कहते हैं, तो ये एक सिंगुलर चीज को अकाउंट में लेके सिर्फ उसी की केस स्टडी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो अगर मैं एक बोलूं एक पर्टिकुलर माउंटेन है एक्स, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन किसी अलग तरीके से हुई है, तो वो उसकी केस स्टडी अलग होगी उस माउंटेन की, वो लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग या नोमोथेटिक जियोग्राफी के अंडर नहीं आएगा। लेकिन काफी हद तक आइडियोग्राफी या डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग जियोग्राफी के अंडर आती है, क्योंकि मैक्सिमम माउंटेन्स की जो मेकिंग है वो एक ही रूल के अंडर हुई है। तो अगर हम किसी एक ऐसे माउंटेन की बात करते हैं वाई, जो माउंटेन इसी रूल के अकॉर्डिंग बना है, इसी लॉ के अकॉर्डिंग बना है, तो वो पर्टिकुलर केस स्टडी भी लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग या नोमोथेटिक जियोग्राफी के अंडर आ जाएगी। तो नोमोथेटिक जियोग्राफी बेसिकली बड़े अकाउंट को, मतलब बड़े पैमाने को अकाउंट में लेके उसके बारे में एक लॉ बना देती है, ठीक है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी में हम केस स्टडीज करते हैं, अलग अलग माउंटेन्स की अलग अलग तरीके से हम स्टडी करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन वगैरह कैसे हुई थी, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग केस स्टडीज में डिस्क्रिप्टिव जियोग्राफी कहलाएगी और लॉ मेकिंग जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो हर जगह के लिए।
उसके बाद दूसरी जगह ड्यूलिज्म ज्योग्राफी को कहां फेस करना पड़ा, रीजनल और सिस्टमैटिक वेज में, ये भी इनके सिनोनिमस है। रीजनल मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो रीजनल कहलाएगा, और सिस्टमैटिक यानी पूरी अर्थ की स्टडी एज अ होल करें, होल पॉपुलेशन की स्टडी, होल डेमोग्राफिक्स को हम एक साथ देख रहे हैं तो वो सिस्टमैटिक कहलाएगा। ठीक है, तो रीजनल भी सिस्टमैटिक के अंडर आ जाता है कुछ केसेस में, कुछ केसेस में कॉन्ट्रास्ट मतलब क्लैश कर जाता है आपस में। तो ओवरऑल मतलब ड्यूअलिज्म सब्जेक्ट ड्यूअलिज्म फेस करती रही ज्योग्राफी ओवर द टाइम। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जो डाइकोटोमी है, डाइकोटोमी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स। ठीक है, तो ओवरऑल डाइकोटोमी इनवैलिड है ज्योग्राफी में, तो ये बिल्कुल साफ है इनवैलिड इसीलिए है क्योंकि नेचर और ह्यूमंस कभी भी इनसेपरेबल एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, ह्यूमंस नेचर का ही पार्ट है, अर्थ भी नेचर का पार्ट है, तो बेसिकली ह्यूमन और अर्थ मिलकर ही लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं अर्थ पे, तो बेसिकली डाइकोटोमी ज्योग्राफी में पॉसिबल नहीं है, तो ये इनवैलिड है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो नेचर होता क्या है, बेसिकली नेचर किसी चीज की फितरत को बोलते हैं या उसकी वे ऑफ एग्जिस्टेंस को। तो वे ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कैसा है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम इतना देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या स्टडी करती है, इंटर रिलेशनशिप्स आपसी संबंध किनके, फिजिकल एनवायरमेंट माउंटेन्स प्लेट्यूज वेजिटेशन फॉरेस्ट्स, ठीक है, इन सब के, और किनके सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट यहां पर रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसीज को, ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन बिहेवियर को किसी भी सोसाइटी में। तो बेसिकली ह्यूमन कल्चर को, ह्यूमन कल्चर का रिलेशन फिजिकल एनवायरमेंट के साथ जो स्टडी करे उसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ये बहुत ही बेस्ट डेफिनेशन है एनसीईआरटी में दी हुई। ठीक है, अच्छा ये जो इंटर रिलेशनशिप है ये किन द्वारा बनाया गया है, इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, थ्रू कैसे क्रिएट किया गया, म्यूचुअल इंटरेक्शन विद ईच अदर, ईच अदर मुराद फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। ठीक है, तो म्यूचुअल का मतलब हो गया शेयर्ड बाय टू आर मोर पीपल और टू आर मोर ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो पीपल या दो ग्रुप्स कौन कौन से हो गए, एक तो ह्यूमन हो गया, दूसरा फिजिकल एनवायरमेंट हो गया। तो बेसिकली हम समझने के तौर पे हम इनको सेपरेट करके देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इंटरेक्शन से यहाँ क्या मुराद है, इंटरेक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल एनवायरमेंट के ऊपर ही है, तो इन दोनों का आपस में तालमेल को रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, इंटरेक्शन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी आयरोनिकल इन नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो आगे चल के हम इस हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमंस अर्ली टाइम में नेचुरलाइज होते गए, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते गए, और ओवर द टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो नेचर ने कैसे कैसे अपने आप को ह्यूमन के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर दिया। तो बेसिकली इस टॉपिक की कुछ इंट्रोडक्शन दी गई है तो वो हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि ह्यूमंस इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमंस अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि हमें अपने एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज करना होता है तो हमें उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, अगर हमें कभी गड्ढा बनाना हो तो गड्ढा बनाने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। आज के टाइम में तो मॉडर्न मशीन्स हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर हम टूल्स का यूज करें तो वो भी टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी। ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी और क्या करती है, टेक्नोलॉजी लूजन्स द शेकल्स ऑफ एनवायरमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। शेकल्स होते हैं बेसिकली हथकड़ी को हम बोलते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमंस को फ्रीली एक्ट करने से रोके या ह्यूमंस पर पाबंदी लगाए। तो एनवायरमेंट की ह्यूमंस पर पाबंदियों को टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एनवायरमेंट ये परमिट नहीं करता कि ह्यूमंस उड़ सकें, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन टेक्नोलॉजी ह्यूमंस एयर मतलब हवा का सफर भी कर सकते हैं इजीली। अच्छा, सेकंड पॉइंट कहता है कि ह्यूमंस वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉस। ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जब तक हमें नेचुरल लॉज की समझ नहीं होगी तब तक हम उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी कभी डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन और हीट ने फायर की डिस्कवरी में काफी मदद की। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स को समझने के बाद ही फास्टर प्लेन्स की इन्वेंशन और मतलब इन्वेंशन और डेवलपमेंट में मतलब तेजी आई। ठीक है, अच्छा एरोडायनामिक्स बेसिकली हम एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को बोलते हैं जो मोशन ऑफ एयर और गैशियस फ्लूड्स की के बीच में चल रहे बॉडीज के बारे में बात करता है, और ये बात करता है कि उनके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगती है। ठीक है, ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स। डीएनए और जेनेटिक्स के सीक्रेट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद साइंटिस्ट ने कई सारी ऐसी दवाइयां निकाली जो कई सारी डिजीजेस को कॉन्कर कर लेती हैं। तो कई बीमारियां इसी वजह से इरेडिकेट हो पाई कि ह्यूमंस ने इस हद तक नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग कर ली थी। ठीक है,
सो द फर्स्ट सब टॉपिक इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। देखिए जब भी हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे तो हम बेसिकली अर्ली स्टेज के चीज के बारे में बात करेंगे, जिन स्टेजेस में ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी काफी कम थी। ठीक है, तो अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन में क्या होता था कि ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर। ठीक है, ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा नेचर की हर एक एक्टिविटी से इन्फ्लुएंस होते थे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये अर्ली मैन की फोटो है। तो ये अर्ली स्टेजेस में क्या होता था कि अब अगर इसको किसी से मिलना है तो जाहिर सी बात है इसको उसके सामने ही जाकर उससे मिलना होगा, फोन तो होगा नहीं इसके पास कि ये उससे दूर से बात कर सके। अच्छा, इसको निकलना है बाहर तो ये धूप में ही बाहर निकल सकता है क्योंकि उसी टाइम इसको दिखेगा जब दोपहर होगी, रात को ये बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि लाइट का बल्ब का इन्वेंशन तो उस टाइम हुआ नहीं था। तो कई ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ को उस टाइम लिमिट कर रही थी। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ को मतलब ह्यूमंस ने आस्ता आस्ता क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया डिक्टेट्स ऑफ नेचर को, यानी डिक्टेट्स मानी बेसिकली रूल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को के हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज के को ढालते गए। यानी वो दिन सिर्फ दिन में बाहर निकलेंगे, रात में फिर बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उनके पास लाइट की इन्वेंशन बल्ब की इन्वेंशन तो अभी हुई नहीं है। तो अर्ली मैन को इसी हिसाब से अपनी जिंदगी बितानी पड़ती थी जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर उस टाइम उन्हें मतलब जितना उनको समझ में आया था। अच्छा, जब लेसर नॉलेज ऑफ नेचर होगी जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ लो लेवल टेक्नोलॉजी होगी, है ना। अगर हम नेचर की नॉलेज ही कम है तो टेक्नोलॉजी की लेवल भी बहुत कम होगा, इसी वजह से तो उन अर्ली मैन का ये हाल था। ठीक है, अगर स्टेज ऑफ लो लेवल टेक्नोलॉजी होगी तो हमें जाहिर सी बात है एक प्रेजेंस मिलेगी। कौन प्रेजेंट होगा वहां पे, एक नेचुरलाइज्ड ह्यूमन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसा कि आपने इमेज में भी देख लिया कि ये अर्ली मैन बिल्कुल एक नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था। ठीक है, जो हु लिसन टू द नेचर, बिल्कुल नेचर के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी गुजारता था एंड अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी, उसकी नेचर की क्या बोलते नेचर की तबाही से डरता था और नेचर की वर्शिप करता था। इसको बस नेचर से मतलब था कि नेचर इसके अकॉर्डिंग मतलब ये नेचर के अकॉर्डिंग चले और नेचर से इसे कोई खतरा ना फेस हो। ठीक है, तो इस टाइप की इंटरेक्शन को जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी में और स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर के दरमियान होती है, यानी पुरानी ह्यूमन सोसाइटी में जहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी कम है और स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर में जो इंटरेक्शन होती है अर्ली टाइम्स में जो होती थी, उसे हम नाम देते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एग्जाम्स में अक्सर आ जाती है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी और स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ नेचर के इंटरेक्शन को कहते हैं और ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ही रिप्रेजेंट करता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, एक ऐसा ह्यूमन जो बिल्कुल अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग ढालता है ताकि वो अपनी जिंदगी बिना किसी खतरे के गुजार सके। एंड सेकेंड सब टॉपिक इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ह्यूमंस स्टार्टेड क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ह्यूमंस की नेचर की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती गई, तो ह्यूमंस ने नेचुरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर दी एंड द ह्यूमंस मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ह्यूमंस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई ओवर द टाइम, तो ह्यूमंस स्टेट ऑफ नेसेसिटी, जैसे रात में बाहर नहीं निकल सकते, अपने हिसाब से समुद्र में सफर नहीं कर सकते, उस वाली सिचुएशन से स्टेट ऑफ फ्रीडम में निकल गए। जब आप रात को सफर कर सकते हो, दिन में सफर कर सकते हो, हवाई सफर कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो किसी से, तो अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर द टाइम जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई, ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएटेड कल्चरल लैंडस्केप्स। लैंडस्केप बेसिकली किसी एरिया के विजन को बताता है कि कोई एरिया दिखने में कैसा है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने ओवर द टाइम कल्चरल लैंडस्केप्स बना दिए। इनके एग्जाम्पल्स कैसे हैं, जैसे पोर्ट्स बनाए हमने, ओशनिक रूट्स डेवलप कर लिए बहुत ज्यादा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली, हेल्थ रिसोर्ट्स बना लिए, बेसिकली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना लिए, पास्चर्स बना लिए, बड़े वाले बगीचे बना लिए, ऑर्चर्ड्स वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये क्या कि जो नेचुरल नेचर था उसको हमने अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, नेचर को अपने अकॉर्डिंगली ढालना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसमें नेचर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमंस यूज्ड देम फॉर देमसेल्व्स एंड स्लोली आस्ता आस्ता क्या हुआ कि नेचर जो था उसने स्टार्ट कर दिया बियरिंग इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन के एफर्ट्स का, एंडेवर मीन्स सीरियस एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स का असर हमें नेचर में भी दिखने लगा, नेचर भी उनके इम्प्रिंट्स कैरी करने लगा क्योंकि ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ चेंजिंग देयर एनवायरमेंट। तो इस इंटरेक्शन को बिटवीन अ मॉडर्न ह्यूमन एंड द नेचर, जहां पे ह्यूमन एंडेवर की वजह से नेचर भी अफेक्ट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, और ये इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म ही ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। एक मॉडर्न टाइम की बात करता है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और एक पुराने टाइम की बात करता है, अर्ली टाइम की बात करता है, जहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेवल काफी कम है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक बात करता है
ग्रिफिथ टेलर के बारे में, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर एक इंग्लिश जियोग्राफर थे जिन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। तो बेसिकली ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था एक मिडल पाथ, या जिसको हम हिंदी में मध्यम मार्ग कहते हैं, किन किन के बीच में, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो हम पढ़ चुके हैं और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, इन दोनों के बीच में एक मिडल पाथ का इन्होंने थ्योरी दी थी, उसे हम कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर नियो डिटर्मिनिज्म का दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इन्होंने ये कहा था बेसिकली कि हमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी की कंडीशन में भी नहीं रहना है, जैसे अर्ली मैन की कंडीशन में भी नहीं रहना है, और हमें एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पॉसिबिलिटीज उतनी ही क्रिएट करनी है जिससे इन्वायरमेंट को कोई डेंजर ना हो। तो बेसिकली इन्होंने एक मिडवे पाथ की थ्योरी दी थी जिससे इन्वायरमेंट को कोई तकलीफ या फिर इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ह्यूमंस शुड रिस्पॉन्ड टू द डेंजर ऑफ एनवायरमेंट, यानी जो उनको अर्ली मैन की स्टेज है ह्यूमंस के ऊपर, उनपे उनको ह्यूमंस को रिस्पॉन्ड करना है एंड प्रोसीड इन दियर परस्यूट्स, और अपनी एक्टिविटीज में आगे बढ़ते रहना है तब तक, और कब बढ़ना है, तब बढ़ना है जब एनवायरमेंट परमिट करेगा मॉडिफिकेशंस। एक हद तक ही एनवायरमेंट अपने अंदर मॉडिफिकेशंस परमिट करता है, ठीक है। अगर उस हद के हम बाहर चले जाएंगे तो एनवायरमेंट को उससे हार्म पहुंचेगा। तो हमें एक मिडल वे पाथ अपनाना है जिसकी वजह से हमारे काम भी निकलते चले जाएं, हम भी एब्सोल्यूट नेसेसिटी से बाहर आ जाएं, एक हद तक की फ्रीडम में आ जाएं, लेकिन एनवायरमेंट को भी कोई हार्म ज्यादा ना पहुंचे, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर का कहना था कि पॉसिबिलिटीज शुड बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट्स विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था, इन्होंने अटेम्प्ट किया था टू नलीफाई डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म यानी एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ह्यूमन पूरा नेचर पे डिपेंड हो गया, उसको भी इन्होंने नलीफाई करने की कोशिश की कि हाँ ऐसी स्टेट भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ह्यूमन पूरा नेचर पे डिपेंड करने लगे, तो उसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ जो है बहुत खतरे में पड़ जाएगी। और उन्होंने पॉसिबिलिज्म को भी पूरी तरह नलीफाई करने की कोशिश की कि पॉसिबिलिज्म, एक्सट्रीम पॉसिबिलिज्म की वजह से जो एनवायरमेंट है वो काफी हार्मफुल बन जाएगा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। तो बेसिकली उन्होंने मिडवे पाथ निकाला जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मतलब पीक पे सर्वाइवल मिल सके और ह्यूमन एग्जिस्टेंस बेटर वे में मतलब परफॉर्म हो सके। अच्छा, डैमेज टू द एनवायरमेंट क्या क्या थे जिनको इन्होंने मद्देनजर रखते हुए अपनी थ्योरी दी थी, वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग यानी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ राइज होना, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते ही होंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेज अराउंड के अर्थ के अराउंड जैसे CO2 वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, उसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है सन की, तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से मेनली होती थी, उसका रिसीडिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर का लेवल कम होना, हीट बढ़ेगी जाहिर सी बात है बर्फ पिघलेगी और पानी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, कहीं एरियाज पानी में डूब जाएंगे। अच्छा, डीग्रेडिंग लैंड, जैसे हम हाईलैंड्स अलग अलग तरह के बनाते रहेंगे तो हम फर्टिलाइजर्स का भी मल्टीपल यूज करते रहेंगे लैंड में अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, तो हम एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम अपनी एनवायरमेंट को भी डिग्रेड करते जा रहे हैं। तो बेसिकली नियो डिटर्मिनिज्म एक मिडवे पाथ है जो हमें यह बताता है कि हमें मॉडिफिकेशंस करनी है एनवायरमेंट में, लेकिन उस हद तक करनी है जिस हद तक एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, काफी छोटा सा टॉपिक है, ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। कॉरिडोर्स बेसिकली यहाँ पे कॉरिडोर्स का मतलब होगा थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे कैसे डेवलप हुई, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखिए, अर्लियर टाइम्स में लिटल इंटरेक्शन होता था बिटवीन द ह्यूमंस एंड द फिजिकल एनवायरमेंट, और लेस ज्योग्राफिक नॉलेज होती थी, ठीक है, लेसर ज्योग्राफिक नॉलेज थी अर्लियर टाइम्स। फिर उसके बाद ओवर द टाइम ट्रेवलर्स और एक्सप्लोरर्स आए, ट्रेवलर्स में जैसे इब्ने बतूता आया, अल बिरूनी आया था इंडिया में, ठीक है, तो ये सब आए और इन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू की, और इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी उनको फैलाना शुरू कर दिया, डिसेमिनेट मतलब फैलाना शुरू कर दिया उनको, जो जो एरियाज इन्होंने विजिट किए थे, ठीक है। उसके बाद लेट 15th सेंचुरी ने विटनेस किया, क्या विटनेस किया, अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप, ठीक है। अच्छा, लेट 15th सेंचुरी का मतलब ये हुआ कि 1401 से 1500 AD तक के टाइम की बात हो रही है, और इसमें एक्सप्लोरेशन करने की वजह से क्या हुआ कि स्लोली स्लोली क्या हुआ, जो मतलब वहमी बातें थी, जो राज समझी जाती थी अबाउट द कंट्रीज एंड द पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप, सबके लिए वो बातें खुलनी शुरू हो गई, यानी मतलब लोगों को ये समझ में आने लगा कि बाहर के कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में भी लोग रहते हैं और वो भी खान पान अपना किस हिसाब से गुजारते हैं, तो मतलब जो मिथ्स थी और जो भी वहमी बातें थी वो सब खत्म होने लगी डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिक नॉलेज के बाद, ठीक है। उसके बाद कॉलोनियल पीरियड आया इंडिया में, ठीक है, जब अंग्रेज आए तो फर्दर एक्सप्लोरेशन शुरू की इंडिया, उन्होंने ऑफिशियली शुरू कर दी, ठीक है। तो पहले ह्यूमन जियोग्राफी की नॉलेज थी लेकिन ऑफिशियली उस पर टैग नहीं था ह्यूमन जियोग्राफी का, लेकिन कॉलोनियल पीरियड आने के बाद एक टैग लग गया इस जियोग्राफिक नॉलेज पे ह्यूमन जियोग्राफी का, जो अल्टीमेटली लीड किया डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में, ठीक है।
So our next topic is schools of thought related to human geography. तो ये NCERT के box contents में से एक topic है, काफी important है, छोटा topic है, लेकिन काफी importance रखता है, ठीक है? अच्छा, schools of thought का मतलब यहाँ पे basically ये होता है कि schools यहाँ पे organisations को represent करते हैं, अलग-अलग organisations के thoughts, thoughts basically यानी उनकी किसी चीज को define करने की understanding, उनकी किसी चीज को interpret करने की approach को हम basically उनके thoughts बोल सकते हैं। तो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन ज्योग्राफी को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, यह हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये कंसर्न्ड है विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। सोशल वेलबींग में क्या-क्या आ जाएगा, जैसे हाउसिंग आ गई, हेल्थ आ गया, सैनिटेशन आ जाएगी, एजुकेशन आ जाएगा, ये सब चीजें अगर हम अकाउंट में लेके देखें तो वो हमारे आ जाएंगी वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंडर, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जनरली मार्क्सियन थ्योरी, मार्क्सियन बेसिकली मैं आपको बता दूं ये कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स की एक मार्क्सियन थ्योरी थी, बड़ी फेमस थ्योरी है, जो ये इसको यूज करते हैं मार्क्सियन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, बेसिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी डेप्रेवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो बेसिकली यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म इश्यूज को, यानी इनका जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हैं वो लोग कैपिटलिज्म के खिलाफ है। मतलब कैपिटलिज्म बेसिकली हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्राइवेट हैंड्स में ऑनरशिप होना। तो मतलब इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए, तो यानी कैपिटलिज्म के ये लोग खिलाफ हैं और ये लोग कम्युनिज्म के साथ हैं। तो ठीक है, जो कम्युनिज्म के सपोर्टर्स हैं वो मार्क्सियन थ्योरी में बिलीव करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के अंडर मैक्सिमम लैंड होती है, ठीक है। तो तीसरा हमारा आ जाता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। इसका एम्फेसिस होता है लिव्ड एक्सपीरियंसेस के बेस पे, ठीक है। जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है वो क्या होते हैं, वो है कि परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज को ये अकाउंट में लेते हैं, जो बेस्ड होते हैं एथनिसिटी पे, एथनिसिटी बेसिकली यानी उनकी नस्ल कैसी है, रंग कैसा है, ठीक है, और रिलीजन के बेस पे। तो ये है हमारे तीन मेन स्कूल ऑफ थॉट्स जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आते हैं, तो इनको सबको पढ़ना भी जरूरी है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी अटेम्प्ट करती है एक्सप्लेन करने का एक रिलेशनशिप जो किन के बीच में है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द स्पेस दे ऑकर ओवर। तो बेसिकली इसका मैं अगर बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक अगर एक बंदा है जो माउंटेन एरिया में रहता है और एक बंदा है जो प्लेन एरिया में रहता है, तो जो माउंटेन एरिया का बंदा है उसकी लाइफस्टाइल और उसकी वे ऑफ एक्टिंग और उसकी मतलब बिहेवियर ओवरऑल और उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरह से होगी एज कम्पेयर टू वो बंदा जो प्लेन एरियाज में रहता है। तो जाहिर सी बात है इससे ये साबित होता है कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे हमारी अपब्रिंगिंग और उससे हमारी बिहेवियर पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इस रिलेशनशिप को स्टडी करता है जो कि एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ होंगे और जिस स्पेस पे वो ऑकर करते हैं उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जो स्टडी करता है वो ह्यूमन ज्योग्राफी उस चीज को एक्सप्लेन करने का अटेम्प्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन ज्योग्राफी अज्यूम्स अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ये हो गया कि जो अलग अलग डिसिप्लिन्स को आपस में मिला के एक साथ पढ़ सकता हो, ठीक है, इसका मतलब हुआ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। अच्छा, यहां पे इंटरडिसिप्लिन क्या क्या हो सकता है, जैसे एक तो ये होगा कि एक बंदा माउंटेन में रह रहा है तो साथ में हम उसकी साइकोलॉजी के साथ रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो एक साइकोलॉजी भी बीच में आ गई, एक माउंटेन बीच में आ गए, तो ज्योग्राफी को साइकोलॉजी के साथ मिला के पढ़ना इंटरडिसिप्लिनरी नेचर हो गया ना, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हम सेम फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्स अ क्लोज इंटरफेस। इंटरफेस यानी मतलब वो जगह जहां पे दो चीजें आके एक ही कॉमन जगह पे एक्ट करने लग जाएं, जैसे इस केस में साइकोलॉजी और ज्योग्राफी एक जगह पे आके एक्ट कर रहे हैं ना, तो वैसे ही उसको उस जगह को इंटरफेस बोलते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्स अ क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स, कोई भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी, बिहेवियर, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, एनीथिंग एल्स, या इकोनॉमिक बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सोशल साइंसेज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ह्यूमन एलिमेंट्स से बेसिकली हम ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं और ह्यूमन टेंडेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, कि इंसान के मिजाज और इंसान के शौक के बारे में जो डिपेंड करते हैं काफी हद तक फिजिकल एनवायरमेंट में भी और अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स में भी, जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और वेरियस अदर डिसिप्लिन्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी इन सभी के आप सभी को आपस में रिलेट करके भी स्टडी करती है। तो इस हिसाब से फील्ड्स और सब फील्ड्स ह्यूमन ज्योग्राफी की वास्ट नंबर में बढ़ जाती हैं, जिसकी जैसे इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हम सोशल ज्योग्राफी एक फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसकी सब फील्ड आ जाती है बिहेवियरल ज्योग्राफी और उसमें एक पार्ट आ जाता है साइकोलॉजी का, जो एक अदर सिस्टर डिसिप्लिन है। तो बेसिकली हम साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में
हम ये देख रहे हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट का ह्यूमन बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है, तो इस हिसाब से साइकोलॉजी सॉरी इस हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक हाईली इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी नेचर ऑप्ट करती है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th ज्योग्राफी. डू आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. गॉड ब्लेस यू ऑल.